हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी प्याज की सब्जी, जिसके लिए गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर एक बड़ा चम्मच हम सरसों के तेल का डाल देंगे और तेल को हमें धुआं उठने तक गर्म करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा और तब हम इसके अंदर एक चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 पिंच के करीब हम हींग डाल देंगे। मैंने 3 प्याज लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज को हम धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे, एकदम लाल नहीं करना हमें, बस भूनना है हल्का सा, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम प्याज को भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 3 हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, और ये भी डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। आप देख रहे होंगे कि प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। और अब मैंने क्या 500 ग्राम भिंडी ली थी, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया, साफ कर लिया, कपड़े से पोंछ लिया और गोल गोल मैंने काटा है। तो भिंडी के पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कच्ची कच्ची थी भिंडी। भिंडी की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार मेरी तरह से भिंडी की सब्जी जरूर बनाएं। कोई मैंने फालतू के मसाले इसके अंदर यूज नहीं किए हैं, सिंपल से मसालों से मैंने बनाया है, जो हम घर में हमेशा यूज करते हैं, पर सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए फ्रेंड, भिंडी को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए तेल के अंदर भूनना है। 2-3 मिनट बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर। तो मसाले तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और नमक और हल्दी के साथ कम से कम हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। एकदम आपकी भिंडी जो है खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं बनेगी। और 1 चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं भिंडी जो है एकदम खिली खिली लग रही है, इसके अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं है। अगर आप खट्टा डालना चाहते हैं तो इसके अंदर अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड, मैंने ना तो अमचूर का यूज किया है और ना ही मैंने नींबू का रस इसके अंदर डाला है, फिर भी भिंडी जो है एकदम खिली खिली बनी है। तो मैंने 1 मिनट तक पकाया, वापस से भिंडी को चेक किया, पर ये अच्छे से बनी नहीं है, और वापस से इसे कवर कर दूंगी और 2 मिनट तक और पका लूंगी। 2 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हमें एकदम लो फ्लेम पे इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। इसके अंदर आप धनिया पाउडर, नींबू का रस, अमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और भिंडी जो है एकदम खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी चिपकी चिपकी हुई नहीं बनी है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब।